मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। मोटी किसने कहा? अरे इसमें घबराने की क्या बात है, जिसने भी जो कहा ठीक ही तो कहा। वैसे मैं मोटी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मोटी हूँ। क्यों? सच सच बताओ किसने मुझे मोटी कहा, वरना मैडम वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। आई लाइक इट, अपनी गलती को कबूल करना हिम्मत का काम है। क्यों मिस्टर वकारिया, ऐसा कीजिए जी, इस महीने से रमेश की तनख्वाह को डबल कर दीजिए। ओके मैडम। ओके मैडम। यस, मैं तो रोजाना आपको बेबी एलिफेंट कहता हूँ। मैडम मैंने आपको डायनासोर का अंडा कहा था। मैडम मेरे घर पे तो डबल रोटी को कामिनी मोटी कहते हैं। मैडम मैं तो आपको चलता फिरता नगाड़ा कहता हूँ। सच्ची मिस्टर वखारिया जी, इन चारों की तनख्वाह को काट दीजिए। ओके मैडम। ये क्या, आज भी हैमबर्गर, आज तो मैंने पिज्जा मंगाए थे। कितने पिज्जा मंगाओ मैडम? फाइव नहीं नहीं सिक्स। रामू यस सर, पांच पिज्जा लेके आओ। ओके सर। अरे तुम्हारे साहब कहाँ है? मैडम आज शुक्रवार है ना। ओफो, मैं बार बार ये कैसे भूल जाती हूँ कि हर शुक्रवार को तुम्हारे साहब इस शहर के हर मंदिर की चौखट पर मेरे पिताजी की लंबी उम्र के लिए अपना सर रगड़ते होंगे। और पता है आज 7 साल हो गए मेरे पिताजी की बीमारी को। बेटे से बढ़कर सेवा की उन्होंने उनकी, इंसान के रूप में फरिश्ता है वो फरिश्ता। न जाने इस वक्त वो कौन से मंदिर के दरवाजे पे गिड़गिड़ा रहे होंगे। क्या फिगर है, क्या कमर है, क्या जवानी है, क्या नजाकत है। लेट्स गो।
और एक हमारे घर में वो जंबो जेट बिठा के रखी हुई है। साहब एक बात कहूँ? हाँ बोलो बोलो। ये जो आप मंदिर जाने के बहाने साधु के भेष में शैतानियत करते रहते हैं, बजाय इसके अगर आप सचमुच मंदिर गए होते तो ऊपर वाले ने आपकी सुनकर आपके ससुर को कब का ऊपर बुला लिया होता। अरे नहीं यार नटवर, ऊपर वाला भी मेरा दुश्मन है। कैसे? शादी के बाद 3 साल तक उसके दरबार में अर्जी भेजता रहा कि बुड्ढे को उठा लो, बुड्ढे को उठा लो। पर ऊपर वाला है कि बुड्ढे की जिंदगी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब बड़े मालिक आपकी शादी से पहले ही बीमार थे? बीमार? अरे जब उसने अपनी पगली कम पहलवान बेटी को मेरे गले बांधा था उसको 3 हार्ट अटैक पड़ चुके थे। हाँ यार, मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल ये बिना तेल वाला दिया तो बुझेगा ही, और मैं कम से कम आधे जायदाद का मालिक बन जाऊंगा। जायदाद तो मिली नहीं और जीवन साथी की जगह हाथी मेरा साथी मिल गया। हाय बेबी, गो टू हेल। गई। फिर भी आप बड़े मालिक की सेवा सच्चे दिल से करते हैं। अरे सेवा नहीं करूंगा तो मेवा कैसे मिलेगा? वैसे भी उसे रात की दवा सुबह देता हूँ, सुबह की दवा रात को देता हूँ। सिर्फ मुझे मालूम है, फिर भी नहीं मरता कमबख्त। वाह वाह वाह। ओम नारायण, ओम ओम शांति शांति ओम। क्या बाबूजी? डॉक्टर साहब, बाबूजी। बेटा आ गए तुम। बाबूजी आप जिंदा हैं? तुमसे मिलने के लिए मेरी सांसें अटकी हुई थी। तुमने मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। बाबूजी मांगो बेटा, क्या क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, सिर्फ आपका आशीर्वाद, आपका साया हमारे सर पे बना रहे, बाकी सब है हमारे पास। मैं जानता हूँ किसे क्या देना है बेटा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बाबूजी 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 क्या हुआ मेरे डैडी को? नहीं श्रीजी, कमली बाबूजी हमें छोड़ के, बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। उठाओ इसको, उठाओ इसको, नहीं तो दो दो अर्थियां उठेगी इस घर से। आई मिनट, आई आई आई, अरे उठाओ, अरे कोई हाथ लगाओ वरना इनको किसी और को मैं खुद उठ जाऊंगा। अरे उठा, हाथ लगा, हाथ लगा, उठाओ उठाओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। सेठ जी को स्वर सितारे आज 13 दिन हो गए। उनकी इच्छा थी कि उनके मरने के 13 दिन बाद वसीयत पढ़ ली जाए। नट्टू जी, जरा अपने साहब को बुलाना। जी हाँ, मैं यहाँ हूँ। सुनो क्या बात है डार्लिंग? स्वीटी, वकील साहब वसीयत पढ़ना चाहते हैं। वसीयत पढ़ने की इतनी क्या जल्दी? वही तो सर, ये सेठ जी की इच्छा थी। ओह अच्छा अच्छा, हाँ तो बढ़िया। मैं दुर्गा प्रसाद अपने पूरे होशो हवास में किसी के दबाव में आए बगैर अपनी वसीयत लिख रहा हूँ। सबसे पहले हिंदुस्तान के 10 बड़े शहरों में फैले प्रीमियम ग्रुप ऑफ होटेल्स की चेन मैं अपनी इकलौती बेटी कामिनी के नाम कर रहा हूँ। मेरे तमाम लॉकर्स में रखे हुए जेवरात और मेरे बैंक में रखे हुए कैश की वारिस भी मेरी बेटी ही होगी। मेरा बंगला
और पनवेल में फैला मेरा 200 एकड़ का फार्म हाउस भी मेरी बेटी कामिनी के नाम कर दिया जाए, और मेरे दामाद जो इंसान के रूप में देवता हैं, जिन्होंने मेरी सेवा को ही अपना धर्म समझा, उन्हें धन दौलत देकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। मेरी सारी दुआएं और आशीर्वाद दामाद के लिए ही हैं। वकील साहब आगे क्या लिखा है वो भी तो पढ़िए। आगे सिर्फ दस्तखत हैं, वसीयत तो खत्म हुई। वसीयत नहीं, हमारा साहब खत्म हो गया। हनी भाई, क्या? बाबूजी ये क्या कर दिया बाबूजी, मैं कंगाल हो गया। 7 साल की लड़ाई एक झटके में हार गया, एक झटके में हार गया साहब। कंट्रोल, पागल हो गए हो क्या? तुम इस तरह दुखी हो जाओगे तो भी मेरा क्या होगा? मैं समझ सकती हूँ कि डैडी की मौत का सदमा बर्दाश्त करना ये आसान बात नहीं है। मैं जानती हूँ बेटे से बढ़कर सेवा की थी ना तुमने मेरे डैडी की, मैं जानती हूँ। कुछ फायदा नहीं हुआ डार्लिंग, मेरे दिल की हालत तुम नहीं जानती, पहाड़ टूटा है मुझ पे पहाड़। आशीर्वाद दे के चले गए। वाह क्या सीन है, कुछ पता ही नहीं चलता कि किसका बाप मरा है। साहब मरने वाले के पीछे जिंदा आदमी अपनी जान नहीं देता। अरे पर मरने वाले मरते मरते जिंदा लोगों को क्यों मार जाते हैं? जिंदा मार। Not again, होश में आओ डार्लिंग, होश में आओ, कोई नहीं डार्लिंग, कंट्रोल डार्लिंग, कंट्रोल डार्लिंग। आइए मिस्टर आनंद माथुर। हाँ जी। हाउ आर यू? अरे विजय कुमार सक्सेना, कहाँ हो भाई, साल हो गए आपके तो दीदार ही नहीं हुए। लंदन सर, आप तो जानते हैं अपना सारा बिजनेस लंदन में ही है। अच्छा लंदन गए थे तो फिर वापस आना कैसे हो गया? सर वो क्या है कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आ गया। अरे मुबारक हो, लेट्स ड्रिंक टू योर बिजनेस, चीयर्स। किस सोच में हो? अरे सोच नहीं, वो देख रहा था। क्या देख रहे थे? कितनी खूबसूरत लड़की है। लड़की? अरे क्या कमर है। अगर ये कमर है तो कमरा किसे कहते हो? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो जो पर्पल ड्रेस में खड़ी है वही ना? वो? अरे नहीं यार, वो तो मेरी बीवी है। अरे नहीं। मैं इस सफेद ड्रेस में खिलते हुए गुलाब की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो? अरे वो तो अनुराधा है यार। अनुराधा? अरे मेरे दोस्त सुखविंदर की बहन, दिल्ली से आई है। सुखी? हाँ सुखी। अच्छा सुनो मिलना चाहते हो? चले आप आनो इनसे मिलिए, मिस्टर आनंद माथुर, इस शहर के सबसे बड़े रईसों में से, एंड ऑफ कोर्स द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द प्रीमियम ग्रुप ऑफ होटल्स। हेलो, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा रियली? क्या सुना है? ए रमोना, तू कह रहे थे कि तूने सिर्फ जॉगिंग करके 4 किलो वजन कम किया है, सच बात है क्या? हाँ, अब तो पता है क्या हुआ, अब मैं उनकी जीन्स में भी आने लगी हूँ। चीयर्स। चीयर्स। एक्सक्यूज मी फॉक्स, एक्सक्यूज मी। अरे वाह, तू बड़ी पतली लग रही है। सच्ची? बॉडी से नहीं, बॉडी से नहीं, सिर्फ फेस से पतली लग रही है, है ना? लग रही है ना? बताना क्या किया, बताना। बता दूँ? अच्छा, सीक्रेट है। क्या? पता है? हेयर स्टाइल का कमाल है। ओह, नो थैंक यू।
वैसे भी तो मैं ओवरवेट हो रही हूँ। ओवरवेट? अरे आपका तो बेहतरीन फिगर है। उसे भी तो मेंटेन करना है। दूसरों को जलन हो जाए इतना मेंटेन किया है आपने। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हेलो कामनी देवी जी, आप कैसी हैं? मोटी हूँ। क्या? एक किलो वजन और बढ़ गया मेरा। आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। आपने तो कहा था कि चार दिन में मेरा 4 kg कम हो जाएगा। या एक महीना हो गया, मेरा 4 ग्राम भी कम नहीं हुआ। एक और महीना देखती हूँ, अगर मैं पतली नहीं हुई ना तो मैं आपको सू कर दूंगी। आई विल सू यू। अंग्रेजी आती है ना? आप दवा पर और डाइटिंग पर पूरा ध्यान देती है ना? अभी इसका ध्यान और कहीं है ही नहीं। सारा मूड खराब कर दिया, मुझे भूख लग रही है, मैं खाने जा रही हूँ। सुनिए तो। एक्सक्यूज मी। आपकी तो दाद देनी पड़ेगी, पहली मुलाकात में फिगर तक पहुँच गया। ओ डार्लिंग, और कितना पियोगे? चलो ना घर चलते हैं। अरे डार्लिंग, ये पहला पैग है मेरा। बहुत देर हो गई, मेरे सारिज भी हेडेक हो रहा है। अच्छा तो ऐसा करो, तुम थोड़ा खाना खाओ। चलो ना, मेरे पेट भी स्टमक एक हो रहा है। देखो डार्लिंग, क्या है, मुझे डॉक्टर गुप्ता से मिलना बहुत जरूरी है, उनके साथ कोई डिस्कशन करना है। तुम घर चलो, मैं बस अभी आया। देखो तुम्हें सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करने के लिए भी उठना है। मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन डार्लिंग तुम जल्दी आ जाना। ओके, मैं अभी आया। और बस हो गया। ओके, आई मिस यू ऑल वाइटी। ए रमोला, गुड नाइट। बाय स्वीटी। सुनो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? कोई दोस्ती करने के लायक अब तक मिला ही नहीं, पर लगता है आज वो कमी भी पूरी हो जाएगी। मुझसे दोस्ती करोगे? एहसान भी बड़ी अदा से करती हैं आप। ओ हानी। सामान फेंक रहा है। मैंने फेंका। ओह डार्लिंग, हेलो। तुम हो? हाँ, फेंको फेंको फेंको, पर मेरी गाड़ी पे मत फेंकना। तुम्हें मालूम है ये गाड़ी मेरी जान है। और डार्लिंग, जरा रेलिंग पर इतना वजन देके मत खड़ी होना प्लीज। राइट, पर ये सामान किसका फेंक रही हो? अरे साहब, मुझे बचा लो, ये किसी और का नहीं, मेरा सामान फेंका जा रहा है। फिर आ गया? मैं कहती हूँ यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुझे भी उठा कर यहाँ से फेंक दूँगी। अरे नहीं नहीं, डार्लिंग रिलैक्स रिलैक्स प्लीज। नहीं 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 नहीं, सुनो तो। नहीं नाला, चलो 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 उसको, चलो ये देख। पर हुआ क्या है डार्लिंग? डार्लिंग, पता है ये आदमी शादीशुदा होकर हमारे चंपा की आंखों की तारीफ कर रहा था। अच्छा, तेरी ये मजाल? तुम्हारा तो खास आदमी है ना, पता नहीं तुम जैसे देवता के साथ रहकर भी कितना शैतान बन गया। चलो मैं तेरे निकाल बाहर। क्या बोलते साहब, मैं जाऊं? अरे मेरे साथ मेरे साथ। अरे आप बोल रही ठीक है, इनसे पूछ दीजिए, मैं जाऊं? आप क्या बोलते, मैं जाऊं? अरे मालिक को भी मरवाएगा, निकल जा। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अरे सुनो सुनो, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे बच्चलन लोगों को फौरन निकाल देना चाहिए घर से। बिल्कुल। अरे तुम लोग क्या क्या खड़े हो, जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ, तुम लोग भी जाओ। अरे चंपा, जरा कम मटक कर चला कर। क्या करूं मालकिन, मेरी तो चाल ही कुछ ऐसी है। अरे हाय, मेरी तो चाल ही कुछ ऐसी है। और वो अंधा नटवर लाल इसकी आंखों की तारीफ कर रहा था। जरा इसकी कमर तो देखो, इसकी कमर की तारीफ करता तो जायज भी था। कमर की तारीफ? व्हाट ए कमर, देखो। डार्लिंग, इसकी कमर को देखा, सारा दिन किचन में खाती पीती रहती है, फिर भी कमर पतली की पतली। ओह डार्लिंग डार्लिंग, दिल छोटा मत करो, एक दिन तुम्हारी कमर को देखकर ये बोलेगी, भला मालकिन की कमर मेरी कमर से पतली कैसे? सच्ची स्वीटर्ट। क्या हुआ? मेरी कमर। क्या हुआ, मुंह क्यों सूजा हुआ है?
क्या मैंने अच्छी एक्टिंग नहीं की? कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। क्यों? पहली मुलाकात में उसके इतने करीब जाने की क्या जरूरत थी? ओ, तो होने लगी जलन। मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही है। अगर किसी को दीवाना बनाना है तो उसका भी एक सलीका होता है, उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखो, उसके मन को ललचाओ। तुम तो घुसे चले जा रही हो अंदर, घुसे चले जा रही हो अंदर। जलन होने लगी। तुम्हें लगता है पार्टी हाथ से निकल जाएगी? आज मैंने उसकी आंखों में वो चमक देखी है जो एक बच्चे की आंखों में होती है जब उसे अपना मनपसंद खिलौना मिल जाता है। बस अब कुछ दिन तुम उससे दूर रहना, फिर देखना। हफ्ते भर में तो तुम्हारी घर की सीढ़ियां घिसरा होगा साला। और वैसे भी आज की रात वो सो नहीं पाएगा। जादू जादू चल गया, तेरे हुस्न का जादू चल गया, तेरे हुस्न का जादू चल गया, तेरे हुस्न का जादू चल गया। ना तुझको खबर ना मुझको खबर, ये सब कुछ कैसे बदल गया। जादू चल गया, तेरे हुस्न का जादू चल गया। आंख मिली दिल हाथ से निकला, करता भी क्या मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं बेचारा। लूट मचा गया शाम से पहले, तेरी जुल्फों का अंधियारा। वो तो कहिए फिर भी दिल में अरमानों का एक दिया सा। We'll be right back.
कितने बजे हैं? क्यों, आपके पास घड़ी नहीं है? हमारी घड़ी बंद हो चुकी है, इसलिए हम तुम्हारी घड़ी का वक्त जानना चाहते हैं। 12:30। ये कोई वक्त है घर वापस लौटने का? हाँ, वो मैं भी सोच रही थी कि आज मेरे को जल्दी आ गई, कल से मैं 2 बजे आऊंगी। खामोश! आधी रात को इस तरह जवान लड़की का घर वापस लौटना हमें हरगिज मंजूर नहीं है। डैड, आपको शायद मालूम नहीं है क्या? कि आजकल की लड़कियाँ लड़कों के साथ बराबरी करने लगी हैं। नो गो टू स्लीप, गुड नाइट। मेरी हर बॉल पर सिक्सर मारा है आज तूने, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसे दी हुई आजादी कहीं मेरे माथे का तिलक कलंक न बन जाए। यार तू तो स्टार है, अच्छा खासा शो में कमा लेता है, फिर तुझे पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? बच्चे, शादी करनी है, घर बसाना है, अरे शो से कुछ नहीं होता यार। वैसे भी मैं शो रात को करता हूँ, अपना दिन का टाइम क्यों वेस्ट करूं? भैया यही टाइम है 4 पैसे कमाने का, सुन लो। 4 पैसे? साले कंजूस, कमा कमा कर तूने 8-9 लाख रुपए जमा कर लिए, हम सबको पता है। ये किसी और से मत कहना वरना इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी। ए, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलोगे? इडियट्स। जी मेरा नाम रॉकी है, मुझे आपसे कुछ काम। काम? तो फिर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए 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 बैठिए। अरे भोला, एक प्लेट मिक्स दाल का पकोड़ा और एक ठंडा थम्स अप ले क्या, पानी ला। अरे देखिए, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, दरअसल मैं एक नौकरी। नौकरी? भोला, पकोड़ा कैंसल, थम्स अप कैंसल, ये पानी मटके में वापस डाल दे। तुम यहाँ पर नौकरी मांगने आए हो, ये कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है? अरे सर मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनूं? कल मेरी टेलीफोन की लाइन कट जाएगी, परसों बिजली कट जाएगी, नरसों मेरी बीवी मैके चली जाएगी, तरसों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें नौकरी चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर घोटाला, क्या है? मेरा नाम मलकानी है। तो क्या करूँ, तुमको बालकनी में ले जाके तुम्हारे साथ डांस करूँ? नहीं नहीं, डांस की बात नहीं है, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे यहाँ हम खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, दूसरों की मदद क्या खाक करेंगे। ठीक है तो मैं किसी और एजेंसी को दे देता हूँ अपना केस। मलकानी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सर आप भी कमाल करते हैं, अब जस्ट बिकॉज हम लोग इतने बिजी हैं, इतने क्लाइंट, सांस लेने की फुर्सत नहीं, खाना नहीं खाया 2 दिन से। अच्छा? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग नए केस नहीं लेंगे? लेकिन हमारे पास तो कोई केस है। फिर बोले आप, उंगली मुंह पे। बताइए सर आपका प्रॉब्लम क्या? मेरी एक बेटी है। वो जवान हो गई है? नहीं, आपको कैसे मालूम? अरे सर हम लोग डिटेक्टिव है, कोई हजाम थोड़ी है। और उसका कोई चक्कर? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आज नहीं तो कल ये मनहूस खबर आने ही वाली है। क्यों? आप चुप रहिए। थैंक यू सर, बैठिए ना। बाय द वे फीस कितने लोगे? 200 रुपया। ट्रैवलिंग अलाउंस, बाकी हमारा पर डे सिर्फ 1000 रुपया है। 1000 रुपया? अब सर मैं जानता हूँ कि बहुत कम है, लेकिन बेटी का मामला है, थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट देना ही पड़ता है ना। ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। मालकानी से डील इज डन। अच्छा आपके पास आपकी बेटी की कोई फोटो है? ना है ना, ये लो ये। ये तो ये सोनिया का बाप है। आप बेफिक्र हो जाइए, 1 हफ्ते के अंदर आपको मैं आपकी बेटी की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आपके घर आ जाऊंगा। घर नहीं भैया, घर नहीं, मेरी बेटी को शक हो जाएगा, कब कहां और कैसे मिलना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओए होए मिस्टर नटवरलाल, क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम्हारी गलती पर हम तुम्हें डांट सके? खबरदार जो दोबारा ऐसी हरकत की तो। बताइए घर में बहन की शादी हो रही और ये जना नौकरी से हाथ धो बैठे, क्यों रे? अपनी ये मजबूरी मुझे नहीं बता सकते थे? ये पाप भी हमारे साथ डालोगे क्या? ये तो अच्छा हो कि उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। जा अपना काम कर। जी मालकिन। जी मालकिन। अब सुन इधर आ चंपा, जरा मेरा जिपर तो लाना ना, जल्दी ला। हेलो 20,000 रुपए, जा। 20,000? तो क्या बैंक को खाली हाथी से सवाल भेजोगे? तुम्हारे यहाँ काम करते तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी है, चल जा। मैम साहब मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए जी। छुट्टी? हाँ। जरूर 2 दिन की तनख्वाह कट जाएगी, अब जा जल्दी काम कर। जी। 20,000 उठाकर यूं ही दे दिए और कहती हैं 2 दिन की तनख्वाह काट लूंगी। भाई वो अखरोट है अखरोट, बाहर से तो कड़क है और अंदर से नरम। 2 दिन की तनख्वाह के लिए क्यों रोते हो? तुम्हें तो 20,000 रुपए मिल गए ना।
अरे काहे के 20,000, 10,000 तो इसमें से साफ ले लेंगे। यार बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ पूछो पूछो। तुम्हारे ये दोस्त की बहन जो है ना, बड़े कमाल की लड़की है यार। लगता है कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी। दोनों तरफ मतलब? नहीं मतलब आप यहाँ पे, थैंक यू, मतलब आप यहाँ उसकी तारीफ कर रहे हैं और वो घर पे बैठ के आपका जिक्र बार बार कर रही है। क्या बात कर रहा है यार? नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। हैं? क्या बात है? अरे बात बात कोई खास नहीं है। मुझसे कुछ नहीं छुपा है। घर वर भी जा के हो दो तीन बार? अरे नहीं, वो क्या हुआ था, एक बार उसके घर के सामने मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी। हाँ ये जो आशिकों की गाड़ी होती है ना, ये बहुत समझदार होती है। मतलब ठीक माशूका के घर के सामने जाके खराब होती है, और कोई जगह मिलती नहीं है। क्या करे, वैसे कल उसका बर्थडे, उसने बुलाया ना आपको? हाँ बुलाया यार, पर क्या? पर क्या? अरे कल ज्वेलरी शोरूम में उसे एक हार पसंद आ गया, और मैंने बेवकूफ की तरह वादा कर दिया कि मैं जन्मदिन पर तुम्हें पहना दूंगा। पहना दो पहना दो, हीरो का हार पहनाते पहनाते बाहों का हार पहनाते देर नहीं लगेगी, पहना दो। अरे कहां से पहना दूं यार, 3,00,000 रुपए का हार है और मेरी जेब में दमड़ी नहीं है। मेरे घर में मेरी पोजीशन तो तुम जानते ही हो, सूट पहने हुए नौकर की हैसियत है, सारी जायदाद बीवी के नाम है, यहां तक कि मुझे अपने जेब खर्च के पैसे के लिए भी वाउचर साइन करना पड़ता है अपनी बीवी के साले चमचे अकाउंटेंट के पास। इसीलिए इसीलिए तुम उस मोटी भद्दी औरत के चंगुल में फंसे हुए हो। अरे मेरी तरह कोई आदमी होता ना, अभी तक तो मर्डर कर दिया होता अपनी बीवी। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मर्डर कर दिया होता, कैसी बातें कर रहे हो यार, कोई भी अपनी बीवी का मर्डर कैसे कर सकता है? ठीक है यार, 7 साल तुमने अपनी ससुर की सेवा की ना, अब 14 साल अपनी बीवी की सेवा करो, क्या हर्ज है? और फिर 14 साल बाद? 14 साल के बाद गुलामी की आदत पड़ जाएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे, जो बचे कुछ अरमान हैं आपके वो सब के सब हो जाएंगे, और क्या होगा। जनाब उस हार का चक्कर चलाइए, उस हार में आपकी जीत। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बकर, ऐसा वैसा करो, तिजोरी में से 3,00,000 रुपए निकाल के मुझे दे दो। पर किस अकाउंट में सर? अरे मुझे बाल कटवाने हैं यार, मालिक मैं हूं या तुम है? नहीं सर, वो क्या है कि मैडम को हिसाब देना पड़ता है। बकर साहब बात सुनिए जी, आपके बच्चे मिठाई खाते हैं? नहीं सर, वो मेरे बच्चे तो नहीं है, लेकिन मेरी बीवी रसगुल्ले खा खा के मथुरा के पेड़े जैसी हो गई है। तो फिर ऐसा कीजिए, तिजोरी में से 3,10,000 निकालिए। 3,10,000? मैं कुछ 3,00,000 मुझे दे दीजिए और 10,000 के अपने उस मथुरा के पेड़े को रसगुल्ले के साथ चमचम भी खिलाइए। मैडम को हिसाब मैं दे दूंगा। सर यू आर ग्रेट सर, ग्रेट। अरे कोई नई बात करो यार। तुम्हारी जुल्फों तले
क्या रस की भरी बातें तुम्हारी है, सारी मेरी रातें तुम्हारी है। इनायत है ये आपकी, नवाजिश है जनाब की। बेटी की लाइफ में एक लड़के की एंट्री हुई है। अजीब बापू, आपकी बेटी की लाइफ में एक लड़के की एंट्री हुई है और आप खुश हो रहे? नॉनसेंस फादर। खुश इसलिए हो रहा हूं क्योंकि पहली बार तुम कोई खबर लाए हो। थैंक यू। नॉनसेंस मैन। बाय द वे, मेरी बेटी का रिएक्शन क्या था? वही तो पता नहीं चल रहा है। चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो कैसे? उस लड़के को कुछ दिनों के लिए तुम रोक के रखो। अच्छा। अगर मेरी बेटी उतावली हो जाए
उसके चेहरे पर बेचैनी छाने लगे, बेताबी बढ़ जाए, तो समझ लेना कि मेरी बेटी को उससे प्यार हो गया है। आप बिना अकाउंट दिए हुए 9 लाख रुपया ले चुके। अरे झूठ मत बोल, कम से कम लाख रुपए के तो तेरे उस पेड़ ने रसगुल्ले खा लिए होंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा ना सर, नहीं तो मैडम हम दोनों का सैंडविच ढोकला बना के खा जाएगी। हम दोनों का क्या मतलब, मुझे अपने साथ मत घसीटो भाई, मुझे पैसे के बारे में कुछ नहीं मालूम, सारी दुनिया जानती है। मैं सिर्फ 10 रुपए लेता हूँ और उसका भी वाउचर साइन करके देता हूँ। मुझ जैसा ईमानदार आदमी तो आज तक पैदा नहीं हुआ। अरे हंस क्यों रहे हो भाई? मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ सर, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे आने से मेरी ऑफिस चल पड़ी। अब 12 आदमी डे नाइट काम करते हैं मेरी ऑफिस में। मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, मोटरसाइकिल के ख्वाब देखता था, लेकिन आज गाड़ी आ गई, गाड़ी। इस महीने से मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर देता हूँ, 10,000 रुपया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। 10,000। सर गुड मॉर्निंग सर। अरे रॉकी, तुम यह क्या कर रहे हो? जी वो बैंक में कुछ पैसे डालने आया था, फिक्स डिपॉजिट। तुम बैंक में पैसे रखते हो? जी। अरे भाई यहाँ तो आधा पौना टका ही ब्याज मिलता है ना। लेकिन सर पैसे की हिफाजत होती है ना सर। वैसे कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ज्यादा नहीं, बस 9,35,000 के आसपास है। 9? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतने सारे पैसे तुमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए और वो भी पौना टका ब्याज पे? अरे भैया मार्केट में 3% ब्याज मिलता है, 3%। लेकिन सर मार्केट में भरोसा किस पे किया जाए? भाई हमारे बॉस आनंद माथुर पे तो भरोसा करते हो ना? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो तो देवता समान है, लेकिन सर उनके पास तो करोड़ों रुपए, वो मेरा पैसा ब्याज पे क्यों लेंगे? अरे भैया ये बिजनेस लोगों की बातें हैं, 3% पे लेते हैं और 10% कमाते होंगे। कहो तो बात करके देखो। इतनी छोटी सी रकम आप? अरे यार ट्राई करने में क्या जाता है, अगर हाँ कर दी तो कम से कम महीने का 28,000 से 30,000 रुपया ब्याज आएगा। रकम बहुत छोटी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आदमी तो तुम अपने हो ना। तुम्हारा फायदा हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? फिकर मत करो, जाओ आराम से जाके सो जाओ। तुम्हारी अमानत हमारे पास बिल्कुल महफूज रखी है, हैं? आधी रात को भी जरूरत हो तो आके ले जाओ। थैंक यू सर। बिल्कुल कोई बात। वकारिया जी वो? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं, मैं जाऊं? जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ जाओ जाओ। अब तुम्हारी मैडम तो क्या, उसका बाप भी आ जाए हिसाब मांगने तो हम तैयार हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। ओए रॉकी, हाउ यू डूइंग? कैसे चल रहा तुम्हारी ये नाच गाना? बहुत अच्छा ही चल रहा है। गुड, सुना आजकल तुम पोटियों में ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे। पुटिया चिक्स बेब, यू नो आई बिलीव आई एम क्रेजी अबाउट यू। बस आप ही की दुआ है। अरे वे टू गो मैन, गिव मी हाई फाइव। ये हाँ, ये ओ समझ गई समझ गई। ऐसा करो डार्लिंग, तुम बाकी सब बकरे साहब से पूछ लेना, मैं गुप्ता जी से मिल के आता हूँ। ओके, लेकिन डार्लिंग शाम को घर जल्दी लौट आना। अरे आने में देर सवेर हो जाए तो चिंता मत करना। पति बाहर रहे और पत्नी फिक्र ना करे, ऐसी औरत पंजाब में तो क्या पूरी इंडिया में नहीं मिलेगी। राइट, बाय बाय डार्लिंग, बाय स्वीटहार्ट, बाय। वकारे जी, इनवॉइसेस? जी जी जल्दी। हेलो 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 गुप्ता जी, क्या हाल है? वो तो आपके पास गए हैं, हैं? आप 1 महीने से लंदन में हैं? तो फिर ये कहाँ गए हैं? नहीं आपको नहीं, ओके बाय। अरे ये तुम्हारे मूड को क्या हुआ? What's the matter, darling? प्राची का फोन पटियाला से आया था। अरे प्राची, शायद उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में शक हो गया है। अच्छा,
अच्छा तो कुकू, ओए कुकू, वो किथे मार गई हो? उसे चले आ रहे हैं। अरे किथे है तू? कौन है आप? ना कुकू किथे है? कुकू? ओए कुकू किथे है? अरे यहाँ पे कोई कुकू नहीं है। ओए मैं क्या कुकू किथे है? प्राची आप गलत घर में आ गए, यहाँ कोई कुकू नहीं। प्राची आप? हाँ मैं। और तेरे करतूतें सुन के पहली फ्लाइट पकड़ के आया हूँ। तुझको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा था, कोई आशियां करने के लिए नहीं भेजा था। किथे हो बंदा? और किथे? प्राची, प्राची। खड़ा हो दी तुम्हें। वो बहुत शरीफ है। शरीफ है? हाँ। बहुत शरीफ है, तभी तो शादीशुदा होके कुंवारी लड़कियों के साथ तोड़ता फिरता है। किथे? और किथे? मैं इधर आता हूँ। आपके होने वाले जीजा जी, यही है वो। अच्छा, तो तूने फंसाया मेरी बहन को? हम खानदानी लोग हैं, वो तो मालूम। अपने घर में किसी को इज्जत पे हाथ डालते नहीं देख सकते, और एक कत्ल कर देते हो। तू अंदर जा, चुपचाप हो गए। और तेनु शर्म नहीं आंदी? जहाँ पर आके आशिया करती है, वो भी ऐसे बुड्ढों के साथ। थोड़ा ही दसदा मैं तेनू। वो तेरे रोने का असर नहीं होता मेरे पे। जितना रोने रोने, मैं रोती रहती 24 घंटे। हेलो, 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 विजय, कहाँ हो यार? बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अरे वो अनुराधा का भाई है ना, वो आ गया है। अबे कौन सा भाई? कितने भाई है उसके? चार। चार? अच्छा लेकिन एक बात बताओ, ये वाला कौन सा है? ये सुखविंदर। सुखविंदर है? शुक्र है, शुक्र है भगवान का। यार तुम समझते नहीं हो, सुखविंदर जो है वो इन सब में से कम खतरनाक है। अरे यार वो तलवार और चाकू की ऐसे बात कर रहा है जैसे पेन और बॉल पेन की, और तुम कह रहे हो वो कम खतरनाक है? अरे हाँ यार, जो बाकी के इसके भाई है वो तो गन और मिसाइल की बातें करते हैं। तुम्हें मुझसे फौरन मिलना, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। विजय प्लीज, कोई रास्ता निकालो। अरे यार तुम घबराते क्यों? देखो तो मुझे 7-स्टार क्लब में मिलो, वहां पर आराम से बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? 7-स्टार क्लब? मैं आता हूँ। ओए कुकू, ओए मेरी तलवार के थे? बाबा जी मैं लेके आता हूँ। शंकर भगवान, 16 सोमवार हो गए, अब तो सुन लो मेरी। सब कुछ है मेरे पास भगवान, सब कुछ है, धन दौलत इज्जत और एक देवी जैसी पत्नी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस हमारा प्यार यूं ही बना रहे, यूं ही बना रहे, और मेरी कामिनी की सारी कामनाएं पूरी हो जाएं। बेचारी दुबला होने के गम में और मोटी होती जा रही है भगवान, भगवान बस उसे दुबला कर दो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी कामिनी को दुबला कर दो। उसे दुबला यहां पे क्या कर रहे हैं? अरे यार आज तो बस भगवान ने बचा लिया मुझे। वो सुबह सुबह सुखविंदर आके तंग कर गया, उसके बाद पीछा करते करते मेरी पत्नी भी यहाँ तक पहुँच गई। अरे मेरी पत्नी भी यहाँ तक पहुँच गई। अरे आपकी बीवी तो अभी गई यहाँ से, है? चली गई। यार वैसे आपके क्रियाक्रम का पूरा बंदोबस्त हो चुका है, है? देखिए अगर आपने अनु से शादी नहीं की तो उसके भाई आपको मार डालेंगे, अगर आपने उससे शादी कर ली
तो आपकी बीवी आपको नहीं छोड़ी? सुनो सुनो सुनो, नहीं जस्ट मैं, तुम एक बार कह रहे थे ना यार, वो एक बार तुमने कहा था ना कि वो वाइफ का मर्डर, क्या? सॉरी, एक तरीका है, अगर आप सारी जिंदगी चैन की नींद सोना चाहते हैं तो आपको अपनी बीवी को हमेशा के लिए चैन की नींद सुनाना पड़ेगा। पर कैसे? उसके लिए मैं आपको एक किताब देता हूँ। How to kill your wife naturally। अभी तो क्यों नहीं आए? I'm getting so बेचैन। Hello darling, hello, hello, hello। ऐसे क्या देख रही हो? इंसान के रूप में बसे देवता के दर्शन कर रही हूँ मैं, और मैं अभागी तुम जैसे हीरे पर शक कर बैठी। मैं इस पाप को कैसे प्रशित करूंगी स्वीटी? ओह कम ऑन डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो? स्वीट बॉय प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मैंने ना आपके चरित्र पे ना शक किया था। देखो, जो पत्नी पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, उस पति पर शक करना उसका धर्म बन जाता है। शायद मुझी से कोई भूल हुई होगी जिसकी वजह से तुम मुझ पर शक करने पर मजबूर हो गई। ओह डार्लिंग, यू 100% करेक्ट। उस दिन आप कह रहे थे ना कि आप गुप्ता जी से मिलने जा रहे हो, लेकिन गुप्ता जी तो लंदन गए हुए हैं। तुम कौन से गुप्ता जी की बात कर रही हो? मैं सीके गुप्ता की बात कर रही हूँ। सीके गुप्ता, हाँ, वो 15 दिन से लंदन गए हुए हैं। मैं HB गुप्ता से मिलने गया था। और तो तुमने समझ लिया कि मेरा कोई चक्कर चल रहा? Come on, darling, तुमसे अच्छा कौन है जिसके साथ मैं चक्कर चला सकता हूँ? पर एक बात बताओ, अगर सचमुच मेरा चक्कर चल रहा होता तो तुम क्या करती? क्यों कहा? तो मैं इसी पिस्तौल से पहले उसे खत्म कर देती, फिर खुदकुशी कर लेती। डार्लिंग, कम कम टू पापा, कम 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 डार्लिंग डार्लिंग। देखो, भूल से भी मरने की बात मत करना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जीना नामुमकिन है। सच्ची? पत्नी को मारने का पहला तरीका उसी का पाउडर सीढ़ियों पे छिड़क दो, पत्नी फिसलेगी नीचे और सीधी ऊपर। अच्छा नटू, मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे बहुत, घर की साफ सफाई कर देना, हाँ ओके, भूलना नहीं। अच्छा डार्लिंग, मैं जाती हूँ, देर हो रही है। अरे नटू, मेरे लिए चिकन बिरयानी, भूलना नहीं। हाँ याद है। अच्छा डार्लिंग, अच्छा सुनो, साथ में कबाब बना देना। अच्छा अच्छा डार्लिंग, मैं चलती हूँ, ओके नटू, भूलना नहीं। अच्छा डार्लिंग, बाय कमली। बाय बाय कॉमेडी। मेरे साहब डरिए मत, छिपकली है, छोटी सी है। कॉमेडी क्या हुआ? ये बच्चे, सारी गलती तेरी है, तू सीढ़ियां ठीक से साफ नहीं करता ना, मैं आगे गिरती गिरती बच्ची। डालू, क्या आप इस तरह मारती रहेंगी तो साहब हमेशा के लिए बेहोश हो जाएंगे। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? तो हम भगवान का शुक्र है। क्या खाना भी खा लिया? मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो हर काम जिसके लिए मैं मना करता हूँ वो काम कैसे हो जाता है। अब होनी को कौन टाल सकता है? मैं इस होनी को अनहोनी कर दूंगा। वो कुत्ता कमीना, अपने आप को समझता क्या है? गाली क्यों दे रहे हैं आप? हो सकता है कोई शरीफ आदमी हो और फिर कल को अगर आपको उसे अपना दामाद बनाना पड़े तो। दूसरों की लड़कियों को बहकाने वाला भला शरीफ आदमी कैसे हो सकता है? और ये डिसाइड करने वाला तू कौन है? मैं तो बस ऐसे ही यूं ही कुछ नहीं, फौरन उस आदमी को मेरे सामने पेश करो। जी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
कोशिश वोशिश नहीं, मैं भी अपनी बेटी को कहता हूँ कि फौरन उस लड़के को मेरे सामने पेश करे। नाउ यू कैन गो। ओके। अच्छे है डैडी। आहा, लड़का कहाँ है बेटी? आपके सामने खड़ा है ये। अरे ये तो आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं वो अरे यही तो है ना आपके होने वाले दामाद। What? नमक हराम, नामकूल, धोखेबाज, दगाबाज। मैंने तुझे अपनी बेटी के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और तूने मेरी बेटी से ही नजरें मिला ली। आपने मेरे पीछे जासूस लगाया? I can't believe this। घर का चौकीदार, घर का चोर निकला इससे पहले कि मेरे अंदर का शैतान जाग उठे। दूर हो जा मेरी नजरों से। आप अपने अंदर के जानवर को सोने दीजिए, थोड़ा इंसान को जगाइए और हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। डैडी डैडी। ये क्या कर रहे हैं आप डैडी? खामोश। इस दो टके के डिटेक्टिव को अपने घर की इज्जत पर हाथ डालने नहीं दूंगा। बाप का राज। मुझे भी आता है प्रेम रोग का इलाज करना। आउट। रॉकी चौकी कुछ नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम, चलो ऊपर। अली अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी मंगनी तय करता हूँ। किताब का आखिरी पैंतरा, जब और कोई चाल कामयाब ना हो किलर को सुपारी दो। भड़क क्यों रहे हो भाई? भड़केगा नहीं तो क्या करेगा? इस खानदानी खूनी से चोरी जैसा काम कराना चाहता है। करना खून ही है, हैं? मगर चोरी की आड़ में, ताकि पुलिस को शक ना हो। ऐसा लगना चाहिए कि चोर के हाथों से एक्सीडेंटली खून हो गया, हैं? ये लो, पेशगी, हैं? बाकी के लाख रुपए मेरी बीवी का अग्नि संस्कार होने के बाद फौरन मिल जाएंगे। ठीक है ना? मगर काम होशियारी से, हाँ? मैं चलता हूँ। वाह, क्या कमाल का आइडिया दे गया ना बॉस। ऐसी चोरी करेंगे कि हमारा ही पैसा चुकाने के लिए उसे कर्जा लेना पड़ेगा। अरे ये तो हम ही लोग हैं। अरे यहां तो कोई भी नहीं है। उस्ताद पहले माल साफ कर ले। चलो चलो। अरे जल्दी करो। वो रही। वो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। क्यों
रॉकी, रॉकी, तेरे लिए बुरी खबर है यार, तेरी गर्लफ्रेंड की मंगनी तय हो गई है। क्या? हाँ, और ट्रेजेडी ये है कि उनकी मंगनी में उनके बाप ने हमारे बैंड को सिलेक्ट किया है और तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। कमाल है, माशूक की डोली उठाने कहा आशिक को बुलाया। गाएंगे दोस्त गाएंगे, दीवाने दिल से गाएंगे। यूं ही नहीं आ गए, कुछ करके जाएंगे। दीवाने यूं ही नहीं आ गए, कुछ करके जाएंगे। किसी को जिंदगी बनाएंगे या मर के जाएंगे। उठेंगे मेरे संग जो सनम के कदम, तो सोचो जाना दारा होगा अल्लाह की कसम। तूफानी कोई जलवा दिखाएंगे, कुछ करके जाएंगे। दीवाने यूं ही नहीं आ गए, कुछ करके जाएंगे। कुछ करके जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। हजार की मामूली सी रकम मैंने तुमसे इंटरेस्ट पे ली थी। यार किसी और से ये मत कहना, नहीं तो पागलखाने पहुंचा देंगे तुम्हें। सर आप मजाक मत कीजिए, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं तो ऐसे ही पागल हो जाऊंगा। आप कुछ कहिए ना। मैं क्या कहूं, आप ही ने तो कहा था इन्हें पैसे देने के लिए। अरे मैं पागल हो गया हूं कि गंगू तेली से कहूंगा कि राजा भोज को पैसे दे। अरे पागल तो तू भी इस 420 के साथ मिला हुआ है।
आनंद माथुर, मैं तुझे मेरे पैसे नहीं खाने दूंगा, मैं तुझे मेरे पैसे नहीं खाने दूंगा। इसी पैसों के भरोसे मैंने अभी अभी कोर्ट मैरिज की है। आनंद माथुर, ये मेरे मेहनत की कमाई है, एक एक पाई वसूल करूंगा। बच गया ना आनंद माथुर, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। याद सर, आप तो है ना? मैं ठीक हूँ। इसको इसको उठा के बाहर फेंक दो। रॉकी, जो हुआ उसे भूल जाओ। फिलहाल तुम्हारे घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, खाली पड़ा है। तुम्हारे दिल में आए तब तक तुम यहाँ रहो। और फिर ये सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि सबक कैसे सिखाऊं। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा, उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा मैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमारा पैसा खाया है, 10 गुना वसूल करेंगे हम। हाँ, वो तो उसका बाप भी देगा। उसकी एक ऐसी कमजोरी है, हाउ टू मर्डर योर वाइफ। इस किताब के हिसाब से अपनी बीवी को नेचुरली मारने के चक्कर में कहीं मैं ही ना मर जाऊं यार। तो फिर डार्लिंग, आज तुम्हारे सर की कसम है, मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। डार्लिंग, फिर तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी। नहीं डार्लिंग, नहीं। ये पिस्तौल देख रही हो? इस पर मेरी बीवी की उंगलियों के निशान है। गोली मैं चलाऊंगा और साबित खुदकुशी होगी। बाय डॉल। बाय। कामिनी, कामिनी, हेलो, क्या कामिनी को किडनैप किया? क्या, हेलो, क्या पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा तो? सच? शी विल बी डेड। He will be dead. Cheers, Kelly. Oh, police day. पैसा लूंगा इसमें। ये हिलती क्यों नहीं है? ये मर तो नहीं गई? अरे ऐसे कैसे मर जाएगी यार, मेरे पैसे का सवाल है। ओ, चक्की का आटा खाती है ये। जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। अरे ये बैठे बैठे मर गई। Hey!
तू रॉकी भाई, तूने मुझे किडनैप किया लेकिन तुम मुझे ज्यादा देर बांध के नहीं रख सकते। कौन बुजो? कौन बोला? नहीं बोला कुत्ता छोटा पप्पी। देखो तुम लोग मुझे किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुम दोनों का खून पी जाएंगे। अरे हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले। अरे साहब साहब, ये एक टांग पे नाच के घोड़ा घोड़ा खेलना बंद कीजिए। अरे नीचे पुलिस आई है और लोग आपके गम में शरीक होने के लिए लाइन लगा के खड़े। काश मैं उन्हें अपनी खुशी में शरीक कर सकता। ओहो, फिलहाल फिलहाल आप अपने चेहरे से ये मुस्कुराहट कम कीजिए। अरे आपको हंसना नहीं, रोना है। सुनिए, आपके दिलो जान से प्यारी बीवी किडनैप हो गई है और उसके गम में आप टूट के चूर चूर हो गए हैं। दरअसल मोती चूर के लड्डू खाने को जी कर रहा है। पुलिस को काम करने दो। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर साहब आए। इंस्पेक्टर, कामनी देवी की किसी से दुश्मनी थी? अरे दुश्मनी वर्ड से ही उसे नफरत थी इंस्पेक्टर साहब। यहां तक कि अंडरवर्ल्ड के सारे भाई लोग उसके भाई थे। हर रक्षाबंधन पर आथर रोड जेल जाती थी उन्हें राखी बांध। आपको उनमें से किसी पे शक है? आई न्यू इट, मैं जानता था। इंस्पेक्टर ऊपर जाओ, जो कोई भी उसे गिरफ्तार करके मेरे सामने ला जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा मतलब था ऊपर वाले भगवान से। उससे हमारी खुशी देखी नहीं गई। अपने आप को संभालिए साहब, होने को कौन टाल सकता है। आंसू पोंछ लीजिए। एक्सक्यूज मी साहब, रोड जी, ये रुमाल उनको दो। साहब रुमाल दे रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, ये सब कुछ छीन लिया। मैं पुलिस हूँ, मैं पुलिस हूँ। आई कम टू हेल्प यू। मैं मदद करने आया, मैं मदद करने आया हूँ। कॉल अ चोर। अपने आप को संभालिए साहब, अपने आप को संभालिए साहब। एक्सक्यूज मी, उनको बाद में संभालिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि सटक गए क्या पुलिस और भगवान? अरे भगवान पुलिस की तरफ देखता भी है क्या? मैं अपने बताता हूँ क्या है कि मैडम के गम में साहब की थोड़ी खिसक गई है। देखिए, इनकी इससे पहले कि ज्यादा खसके, मैं खसक लेता हूँ। प्लीज, अब ये रुमाल भी नहीं दूंगा। ले जाइए, ले जाइए। नहीं नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बहुत कम है साहब को, बहुत कम है। ये क्या कमीना आदमी है यार। सर आपको किडनैपर से धमकी कब दी थी? आप बोलते क्यों नहीं? मैंने इसको धमकी दी थी कि पुलिस को ना बोले, और इसने पूरे शहर की पुलिस को दावत पे बुला लिया। प्लीज प्लीज, और सवाल मत पूछिए मुझसे। मैं मेरा दिमाग ठीक से नहीं चल रहा। अरे इधर भी यही चल रहा है। ओह शिट, क्या उन्होंने कामनी जी को मारने की धमकी दी है? ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा मत कहिए। उसे कोई नहीं मार सकता, अगर वो मर गई तो। देखो साला कमीना, झूठ भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। अपनी बीवी का मर्डर करके ऐसे रो रहा है जैसे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। जिस तरह ये रो रहा है, ये पैसे जरूर देगा। मगर उसने ये मर्डर को किडनैपिंग टर्न करने का प्लान हमारे साथ डिस्कस ही नहीं किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बीवी को ठिकाने लगाने के बाद हमारे पास आया हो? नहीं यार, तो ये हमसे झूठ कैसे बोल सकता है? कहीं हमारी असलियत उसे पता तो नहीं चल गई? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अनु, हमें ये राज हर हालत में जानना पड़ेगा। और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इस कमीने के और नजदीक जाना पड़ेगा। कट गई, मैं आजाद हूँ। शिट, ये बाहर कैसे है? इसको तुमने बांधा था रस्सी से। तुम जान दे यार, जान दे यार, छोड़ दे मेरे, छोड़ दे यार, रस्सी रस्सी मैं लेती हूँ।
अब भाग के हम होगी। ढाई मिनट के अंदर अंदर मेरी डाइटिशियन के साथ अपॉइंटमेंट है, ना लाइक को मुझे जाने दो वरना। चुप चुप, गाड़ी किसकी होगी, मेरी तो नहीं है, तुम्हारी नहीं है। चुप 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 चुप। रॉकी, ये तो कोई आ रहा है। रॉकी, वेयर आर यू? हेलो माय डियर बॉय, हाउ आर यू? हाय सोनिया। हाय। हम फाइन सर, आप कैसे हैं आप? मैं एकदम मजे में हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए कमाल की खबर लेकर आया हूँ। हमारे शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन कामिनी देवी को किसी ने किडनैप कर लिया। अरे कह नहीं रहा हूँ, मेरे पास उसकी तस्वीर है, ये देखो तस्वीर। ये फोटो अचानक धुंधली क्यों दिखाई दे रही है, और थोड़ी मोटी भी है ना। थोड़ी मोटी? अरे भैंस है भैंस, मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि इतनी मोटी औरत को किडनैपर्स ने उठाया कैसे होगा। मुझसे क्या पूछते हैं? क्या मतलब? मुझसे क्या पूछते हैं आप? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम ये केस सॉल्व कर दो तो अपनी एजेंसी आसमान को छूने लगेगी। सर सर, मैं ये केस नहीं ले सकता। क्यों भाई, क्या हुआ इस केस में? बहुत खूंखार है ना वो। खूंखार? डरावनी। डरावनी। मिस्टर रॉकी, अगर तुम चाहो तो ये केस चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते। सर चुटकी क्या, मैं तो कुछ भी बजाने लायक नहीं रहा। जब बजा सको तो चले आना। बाय सोनिया। ये कौन है? सास। बांध के क्यों रखा है? हमारी शादी से वो नाराज हो गई थी, तो गुस्से के मारे सामान वान फेंकने लगी, पागल हो गई थी ना, तो हमने उसे बांध दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई डियर बॉय, तुम दुनिया के पहले ऐसे जवाई हो कि जिसने अपनी सास को बांध दिया। मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैं नहीं बांध सका। दुनिया के सारे जवाइयों की दुआएं तुम्हारे साथ है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। घोटाला कर लिया ना? घोटाला? मैंने क्या घोटाला किया? अरे अपनी बला किसी के गले में डाल दी। अरे ये भला नहीं, मेरी जान है। जान? अरे जान है तो जहान है, ले जाओ अपनी जान को घर और बड़ी उसको पापड़ पापड़ खिलाओ। अरे उसी को तो लेने आया हूँ। ये इतना हंसता क्यों है? पागल है? तुम लोग इस तरह चिपक कर क्यों खड़े हो? बहुत प्यार करते हैं। झूठ, मुझे लगता है कुछ छुपा रहे हो। हटो हटो हटो। ये कौन है? घोटाले की बीवी। हाँ। लेकिन इसे बांध के क्यों रखा है? पागल है। हाँ। पागल है? हे पागल, पागल पागल, काटती है ये तो, वाकई पागल है। डेंजरस। बेटे चलो, जो होना था हो गया, अब घर चलो। बेटे तुम भी हमारे साथ घर चलो। मैं? मैं घर जमाई नहीं बन सकता। कितने ऊंचे ख्यालात है तुम्हारे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटे। अरे मलकानी, ये क्या कर रहा है तू? इतनी आग लगी है तो घर जाके बुझाना। नहीं नहीं, फैसला हो गया है, अब ये यहीं पे रहेगी। फैसला हो गया है तो चल मेरे साथ, पेपर ला। हाँ चलो। किसी को तो लेने आया था। एक मिनट घोटाला। हाँ जी। लोग अपनी बीवी को बांध के क्यों रखते हैं? अरे खोल के रखते हैं तो बहुत मारती है। देखा भैया, देखा देखा ना? ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताता हूँ ना तेरे को, मैं बताता हूँ। अपने शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब इसको बांध के गए थे तो खुल कैसे गई? चल चल अंदर, तंग कर रखा है मुझे। चूहे की तरह सारी रस्सी चबा के खा गई। ये खा के दिखा, चेन से बांधूंगा तुझे। हथकड़ी लगाऊंगा, हथकड़ी। हेलो साले, मैंने तुझे कहा था पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, और तूने ये खबर एक नई फिल्म के ट्रेलर की तरह हर चैनल पे चलवा दिया बार बार, इडियट। काम की बात करो। मेरे 1 करोड़ रुपए कहाँ है? नहीं, करोड़ रुपए तो मैं नहीं दे सकता भाई, सॉरी। देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, तो 5-10 कम कर दो, अपनी बीवी को लेके जाओ प्लीज। और नहीं दूंगा तो मर्डर। हेलो डार्लिंग। हेलो हेलो डार्लिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? क्या करो, तुम्हारी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं होती। और अब तो तुम्हारे वाइफ भी नहीं है। राइट, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम लोग कौन हो तो मैं क्या बताऊंगा? अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, और गम के माहौल में तुम्हारा साथ देने के लिए आए। बीवी के किडनैप होने का तुम्हें इतना बड़ा सदमा लगा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ तुम अपनी जान भी दे सकते हो। कोई तो तुम्हें चाहिए ना तुम्हारा अपना, तुम्हारे साथ रहने के लिए, है ना? लास्ट कॉइन। बस एक बात है कि झूठ बोलने में तुम्हारी कोई जबान नहीं पकड़ सकता। बचपन से ऐसा ही होगा। फोन किसका है? फोन फोन, वो किडनैपर का। हेलो हेलो
बड़े ढीट आदमी। अबे भूतनी के, तू फोन छोड़ के कहाँ गया था? और किडनैपर को समझ क्या रखा तूने? अभी ध्यान से सुन, कल सुबह 7:30 बजे बैंड स्टैंड के खंडर में मैं तेरा इंतजार करूंगा। मेरे पैसे लेके आना, वरना 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 तेरी लाइफ से मैं वाइफ नाम का शब्द हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। <Funny guy. laughs> ये मोटी फिर कैसे खुल गई? सोनिया छोड़ना, पकड़ यार, पकड़ के रखो। उतर नीचे, उतर उतर नीचे, उतर उतर नीचे, उतर। उधर ही खड़े, बहुत भागती है। रुकिए लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्लोरोफॉर्म, शट अप, बेहोशी की दवाई है। हाँ पकड़ो, आगे मत बढ़ना, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना, मैं गोली मार दूंगी, मैं गोली मार दूंगी, मैं गोली मार दूंगी, मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मार दूंगी, मार अब ये दूरियां मिटा भी दो डार्लिंग। आओ, अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? डार्लिंग, किडनैपर का फोन बार बार आ रहे हैं। आप उसे मिलने नहीं जा रहे हो? हाँ, मैं जानबूझकर उससे मिलने नहीं जा रहा हूँ। पर डार्लिंग, उसे पुलिस को शक हो जाएगा, और आप अपनी बीवी से प्यार करते हो तो उसे बचाने जाना चाहिए। पर मैं उस मोटी से प्यार नहीं करता। पर पुलिस तो यही मानती है कि तुम अपनी बीवी के गम में पागल हो, तो
तुम्हें किडनैपर से मिलना चाहिए और पुलिस को भी बताना चाहिए डार्लिंग। अच्छा हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल किडनैपर से मिलने जाता हूँ और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। लेकिन मीनवाइल टीवी भी नहीं चल रहा है। कौन सा टेप है? देखते हैं। हुई ना गर्ल, हेलो इंस्पेक्टर साहब। अरे यार डेढ़ घंटा हो गया वो अब तक आया ही नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर साहब वो आएगा, वो जरूर आएगा, उसे तो आना ही है। मुझे मेरी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार है इंस्पेक्टर साहब, उसे तो आना ही पड़ेगा। ओके रिलैक्स रिलैक्स, हम आपके साथ हैं यार, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। ओके थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ इंतजार करिए, वो यहां क्यों आएगा, उसने मुझे यहां थोड़ी बुलाया है। बुलाया तो कहीं और है। ये चल माल निकाल। क्या बात कर रहा है? अरे इतनी सारी पुलिस, मैंने 15 अगस्त की परेड भी नहीं देखी। अरे बाप रे, किसके ऊपर हाथ डाल दिया रे? पता काम नहीं देवी, वो कहाँ छुपा कर रखा है? कौन काम नहीं देवी? मैं तो श्रीदेवी के अलावा किसी देवी को नहीं जानता। अबे झूठ बोलता है, मेरी बीवी कामिनी देवी को तूने किडनैप किया है। मैं तो बाबूली से चोर हूँ, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। हवलदार बेटा वैसे जेब में। आनंद साहब मेरे ख्याल से आदमी सही कह रहा है। अच्छा क्योंकि अगर ये किडनैपर होता तो हाथ में चाकू नहीं लगता। हाँ। शायद उसे हमारी चाल का पता चला। हाँ। तब तो वो मेरी बीवी को मार डालेगा। इंस्पेक्टर साहब मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे मेरी बीवी चाहिए। कुछ करो इंस्पेक्टर, कुछ करो इंस्पेक्टर, कुछ करो। खाना लेके आओ। मुझे किडनैप करते हो और मेरी सेहत का ख्याल नहीं रखते हो? याद रखना, मैं बाहर निकलते ही तुम दोनों को फांसी लगवाऊंगी। लटके रहोगे यूं, जबान बाहर निकल। ऐसे मत बोलिए। बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगी मैं, यही अंजाम होगा तुम दोनों का। ना मुझे टूथपेस्ट दिया है, न माउथ वॉश, न डिओड्रेंट, न परफ्यूम। आज इतने दिन हो गए, मेरे कपड़ों में से पसीने की बदबू आ रही है। इतने दिनों से मैंने अपना फेवरेट गाना भी नहीं गाया। नहीं मिलेगा। आप यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं आई हैं? और किडनैप किया है? मुझे छोड़ने का पैसे लेगा ना तू? तो फिर मेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा? तेरा बाप? ऑर्डर ले। हम किडनैपर्स हैं। कोई वेटर थोड़ी है। वाह। मैं कहती हूँ ऑर्डर ले। लिख लिख लिख। पेपर पेपर पेपर। रेडी, लिखो। एक पनीर कोफ्ता,
एक मटन कोरमा, मटन कोरमा, एक तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन, रशियन सैलेड, रशियन सैलेड, चार स्टफ पराठे, स्टफ पराठे, मक्खन मार के, ओए ओए, एक चिकन टिका, टिका टिका, एक पुलाव, तेज पुलाव, बूंदी का रायता साथ में, दो कुल्फी फालूदा, विद आइसक्रीम, हाँ, विद आइसक्रीम, और एक डजन दस मलाई बस, बस इतना ही, बस, बस, आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ। किसी गरीब की बेटी की बारह जितना खाना खा ले उतना खाना मांग के डाइटिंग की बात करती है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पक्का सोच के बहन। क्या कहा, क्या कहा तूने? वेरी गुड, लग जाएगी, लग जाएगी, चली जाइए, लग जाएगी, हट जाओ, आज इसका फैसला होके रहेगा, आज मैं इस गुब्बारे को फोड़ के रहूंगा, हट जाओ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इस आदम और जानवर को। अरे जब से आइए, फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश फरमाइश, अरे तूने मुझे समझ क्या रखा है, किडनैपिंग भी कोई सीरियसनेस होती है, एक एक लफ्ज भी और बोला तो जबान काट के कुत्ता खिला दूंगा, बढ़िया यहाँ पे चलो। रॉकी ये क्या कर रहे थे तुम, अगर वो मर जाती तो? डरा रहा था। और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? गई भाई साहब, ये पैक कर लीजिएगा। हाँ करता हूँ। फोन मिलेगा कहीं? फोन बगल में। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं किडनैपर। अच्छा अच्छा, तुम आप पैसे लेके नहीं आए, समझते क्या आपने आपको? अरे मैंने तुमसे कहा ना मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। देखो मैं शराफत से पेश आ रहा हूँ, 25 लाख रुपए और कम कर देता हूँ, 50 लाख रुपए लेके आ जाना। अरे यार तुम किडनैपर हो या शेयर ब्रोकर, हर रोज तुम्हारा भाव गिरता जाता है। देखो मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वरना अब तक तुम्हारी बीवी का चौथा हो गया होता। ये लास्ट वार्निंग है, कल शाम को कैफे हिल साइड पर 50 लाख रुपए लेके आ जाना, वरना। अरे साहब अब तो घर जाइए, हम भी बाल बच्चे वाले हैं, 70 कप चाय पी चुके हैं आप, किचन में दूध भी खत्म हो चुका है। अब कुछ खाने को मिलेगा? अरे मेरे बाप ये टेबल कुर्सी पड़ी है ना, खा ले। तो भड़कते क्यों है, बिल दे दीजिए। हाँ ये लो 390 रुपए। अच्छा वो 10 रुपए ले आएगा वापस, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। इडियट, तुम सो रहे हो? अरे आधी रात को सोऊंगा नहीं तो क्या भांगड़ा करूंगा। मैं पिछले 7 घंटे 17 मिनट और 7 सेकंड से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 70 कप चाय पी चुका मैं, लेट आने की भी हद होती है यार। देखो तुम अगर मुझे इस तरह परेशान करोगे ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा मैं तुम्हारी। पुलिस में कंप्लेन? अरे यार तुम चाहते क्या हो मुझसे? देखो पैसे नहीं है मेरे पास। ओफ, ओफ, देखो 50 की जगह 25 लाख दे दो। 25 लाख भी नहीं है यार। अरे 20 तो होंगे। अरे जहर खाने को पैसे नहीं है मेरे पास यार। अरे जहर तो मैं तुम्हें मुफ्त में भेज दूंगा। अरे यार इतने बड़े आदमी हो कहीं से लोन वोन ले लो, आखिर तुम्हारी बीवी की जिंदगी का सवाल है। अच्छा एक काम करो 10 लाख दे दो। अरे उसमें तो मेरा हक बनता है यार। हक बनता है? इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो मुसीबत की पोटली जो तुम्हारी बीवी को रखा है, अरे 10 लाख तो मिलने ही चाहिए। देखेंगे देखेंगे। मैं तेरी नियत समझ गया, कल ठीक 11 बजे अगर तू चाइना क्रीक पे मेरे पैसे लेके नहीं आया
तो 12 बजे अपनी बीवी के मौत की खबर सुन लेना। बहुत नाटक हो गया तेरा, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। सुना सॉरी मिस्टर माथुर, आपको मॉर्ग रूम में बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। हम सभी इस एक औरत की लाश। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, एक्सक्यूज मी, प्लीज अपने आप को संभालिए, कंट्रोल में रहिए। आप इधर आइए। क्या हुआ? एक तो मुझे ऐसी भूतों से मुर्दों से डर लगता है और ये अजीब मेरा गला पकड़ते रहता है। आप एक काम कीजिए, इसको मॉर्ग रूम में लेके जाइए। इंस्पेक्टर अटा पट्टू इनको मॉर्ग रूम का सब बता देंगे। ए तुम अपनी गर्दन तुड़ाओगे का? चलो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब जगमोहन बॉक्स खोलो। जी साहब। आइडेंटिफाई प्लीज। डॉक्टर साहब, मुर्दा खाने में भी मजाक होते हैं। ये मर्द की लाश है, ये मेरी बीवी नहीं हो सकती। उस औरत की लाश जो अक्सा बीच में मिली है वो कहाँ है? ये कौन सा नंबर है? 10 नंबर है ये। 9 नंबर है, 10 नंबर खोलो। मोहन 10 खोलो। इडियट। प्लीज आइडेंटिफाई। सॉरी। नहीं, इंस्पेक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। हाँ तो फिर आप रो क्यों रहे थे? ये खुशी के आंसू है इंस्पेक्टर साहब। ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी जिंदा है। मेरी बीवी जिंदा है। ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी जिंदा है। जिंदा 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 है, मेरी बीवी जिंदा है। इसे निकालो। ये लो, खाना खा लो। खाना? अरे कौन से लंगर से मांग कर लाए हो ये खाना? इसी तरह अगर चलता रहा तो हम लोग भी किसी लंगर के बाहर नजर आएंगे। खा लो खाना। नहीं खाऊंगी। खा लो। अरे कहो। ये क्या किया तुमने? गिरा दी सारी गाल। लेकिन मेरे कपड़े। खेल ली खाने के साथ होली। खराब कर लिए अपने कपड़े। तेरो मैं सोने के कपड़े लाके देता हूँ। क्या तुम मुझे सोने के कपड़े पहनाओगे? एक तो मैं कपड़े खराब करती हूँ, मजाक करती हूँ। आपको पता नहीं है? क्या नहीं पता? मैं कपड़े। तुम्हारी बीवी है ना, वो चिपकली है, चिपकली। उसके कपड़े मुझे कहाँ आएंगे? ये देखिए, ये क्या है? ये आईना क्यों लाए हो? हाँ ये कौन है? ओए कौन है ये? आप ही हैं। अरे हाय नहीं करेंगे अपने आप को? हाय 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 हाय। ओ मेरी शेप तो बदल गई है, मेरी पैंट ढीली हो गई। ओ माय गॉड। अब ये ट्राई कीजिए ना, हो जाएगा। ये जीन्स और टॉप ये आ जाएगा क्या? आ जाएगा। क्या कह रहे हो? Let me try it. I'm so excited. अच्छा मेरी ये तो यही चेंज कर रही है। बटन और आए थे जल्दी। वाओ ये जीन पैंट तो मुझे एकदम फिट आ गई। सुनो कैसी लग रही हूँ मैं? ब्यूटीफुल। ओह यस सर। होय मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती कि आई हैव बिकम सो पतली। यस यस। और इतनी स्मार्ट और इतनी खूबसूरत, सच अ वंडरफुल फिगर। और ये छोटी बड़ी बोली मजा किरकिरा हो जाता है। आप अपनी हुली के साथ अपनी जबान भी थोड़ी साफ कर लेंगे तो यू विल बी परफेक्ट। यू आर राइट। ओह यू आर सो क्लेवर। ओह यू आर द बेस्ट। थैंक यू क्लेवर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yeah.
तेरा नाच नाच तेरी जुल्फ में झूमे खटा खटा चेहरे पे उजाला खिला खिला पैरों में सितारों के घुंघरू घुंघरू में मेरे दिल की धड़कन छन नन नन छन छन देखी पाज अरे नाच मेरी जान नाच नाच ना ना नाच मेरी जान नाच 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 मेरी जान नाच नाच तेरी जुल्फ में झूमे खटा खटा चेहरे पे उजाला खिला खिला पैरों में सितारों के घुंघरू घुंघरू में मेरे दिल की धड़कन छन नन नन छन छन देखी पाज अरे नाच मेरी जान नाच नाच ना ना नाच मेरी जान नाच 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 मेरी जान नाच नाच ना ना नाच मेरी जान नाच नाच सोनिया रॉकी रॉकी तुम मुझसे प्यार करते हो ना ऑफ कोर्स सोनिया ऑफ कोर्स जस्ट टेल मी यू लव मी प्लीज आई लव यू सोनिया आई लव यू सोनिया आई लव यू रॉकी आई लव यू वाओ मेरी तो आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा है कमाल कर दिया दोनों ने कमाल कर दिया अरे आओ वेलकम अभी मैं तुम दोनों को ही याद कर रही थी मैंने ना पतली होने के लिए क्या नहीं किया लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन जो आज तक नहीं हुआ वो तुम दोनों की वजह से हो गई मांगो क्या मांगते हो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख यू नेम इट यू गॉट इट या तो आप लोग करके हैं या फिर आपके पति की नियत तूने रिलैक्स रिलैक्स क्यों रे असलियत का पता अभी लगा लेते हैं Would you like to put it on? Oh. Would you like to take this off? No. Vijay, phone lena, please. मैं आनंद माथुर से बात कर सकता हूँ। आपका फोन है। अरे कह दो मैं बिजी हूँ यार। Come on, take it off. Uh-huh.
But you know I will. Later. Kidnapper, kidnapper का phone. Kidnapper? अरे यार तुम kidnapper हो या leader? हैं? तुम्हारे जितने बेशरम तो वो लोग भी नहीं होते. अरे तुमसे ज़्यादा गैरत तो किसी गली के कुत्ते में होती होगी. देखिए आप तमीज से बात कीजिए और एक कुत्ता उत्ता मत बोलिए मुझे. और क्या? उसे भी एक बार धुतकार दो तो वो वापस नहीं आता. तुम सिग्नल पे खड़े हुए भिखारी से भी डीट हो. तुम किडनैपर नहीं, उसके नाम पर कलंक हो. Right, absolutely. 10 लाख मांगे थे, तुमने तो 20 लाख गालियां दे दी मुझे. अरे 10 लाख नहीं, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा. 50 लाख मार डालो उसे. उस चलती फिरती कुरबरे की गोनी को खत्म कर डालो. खलास. मैडम आप जी मत छोटा कीजिए. शायद जो लड़की आपके घर में रह रही है उसी ने उन्हें बहकाया हो. जानो चलो ना, let's dance. Yes. No, not rock and roll, Janu. It's Bhangra. Yes. Janu, हम शादी कब कर रहे हैं? पूरे 15 दिन के बाद. अभी 2-3 दिन में मेरी बीवी की मौत की खबर आती होगी, फिर बड़े धूमधाम से उसका 13 मनाएंगे और फिर उसके बाद हनीमून. शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है. हाँ, चंडीगढ़ में जो मेरे बाकी के 3 भाई है ना, हाँ, बहुत उतावले हो रहे हैं की खबर के लिए और चौप करो. और अगर वो यहाँ पहुँच गए ना, हाँ, तो फिर तो आप जानते हैं हमारे घर में सब्जियां भी तलवारों से काटती हैं. अच्छा? चक दे काके. विश्वासघात, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया. शायद उसे नहीं मालूम कि मैं उन औरतों में से हूं जो प्यार करूं तो दुनिया लुटा दूं, और अगर नफरत करूं तो जहां जला दूं. I'll show him. उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी. Yes, we've done it. ओ कुक चुड़ैल, तुझे तो यहाँ कटने पे जाता, और तू बच्चा पराए मर्द के साथ बगैर शादी के रह रही है. ओए बल्लू, और तुझे भेज जाता बहन की रखवाली करने, और तू की कर रहा है? तू बहन की दलाली करने ओए. अरे आज हम इन दोनों कपल को मिटा देंगे. ओए प्राजी, प्राजी का आईडिया आएगा. ओ प्राजी, प्राजी तू सी गलत थल्ले कर देते मैं उठते. ओए गलत है कोई यार, तू एवी गाणो भेज. अरे आप लोग हो कौन? ओए बदतमीज, बुढ़े की प्यार में इतनी अंधी होगी कि अपनी भाइयों को नहीं पहचानती. कौन तोड़ूंगा? अरे गर्दन दबा दूंगा. क्या बाप का माल समझ के मारे जा रहा था आपसे? मैं कोई बल्लू बल्लू नहीं हूँ, मैं उल्लू था जो बल्लू पड़ गया. मैं फट इसको बल्लू बल्लू को गार्गी पता नहीं कब से. कौन बल्लू ऐसी बोल रहा था यार? चुट मुट की दाढ़ी लगाकर हमारी कौन का बदनाम करते हैं? कौन करूंगा? इसे मारो मत, प्लीज मत मारो. की गल है, तू इसे क्यों बचा रही है? तेरा कौन लगता है ये? मैं इसे प्यार करती हूँ. लड़की तो 2-in-1 है, और रोमांस इसके साथ करती है, आनंद माथुर के साथ पता नहीं क्या क्या करती है. ओए कुको, व्हाट इज कुकिंग? हैं? सच बता, मामला की है? हैं? बता दे, शर्मा मत. पैसे ऐंठने के लिए आनंद माथुर को उल्लू बना रहे, और मैं कोई कुको वुको नहीं हूँ. मैं अनुराधा हूँ. सच कह रही है? कुकु नहीं है. कुकु नहीं है. बताओ यार, मार मार के कुत्ता बना दिया, अब कहते हो कुकु नहीं है? ओए अपनी बहन को नहीं पहचानते क्या? छोटी प्रॉब्लम हो गई, वो गलती से मिस्टेक हो गई है कि हमारी बहन 12 साल की उम्र में घर से भाग गई है. किसी ने कहा पंजाब की लड़की आए तो हम आ गए लेने. सॉरी कहता है. सॉरी यार, पहचानने में देर हो गई. सॉरी यार. कोई बात नहीं, आपकी गलती से मेरी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो गई. पाजी, आपकी तलवार 1 सेकंड बोर कर सकता हूँ मैं? क्यों?
दो गर्दनें काटनी है। दो क्यों? सो मारिए सो, माय प्लेयर। बेटा पागल हो गया, अनु भाग। एड बोल यू सी। पार्टनर, ले कमाएगा। कामनी जी, आप बखारिया, मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का पता चल गया है। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा वफादार समझती थी और तुम भी ऐसे निकले। मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाइयों, यही वो आदमी है जिसने रॉकी का पैसा खाया था। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अपनी नौकरी जाने के डर से मैं चुप था अब तक। यानी इसने हमारे साथी का पैसा खाकर उसे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। Dare you say that, you bloody child? आनंद माथुर, आनंद माथुर, आनंद माथुर, आनंद माथुर, आनंद माथुर। ऑनलाइन क्लियर, आ जाओ। मेम साहब, अपने घर के तकिए और चादर देख के इतना इमोशनल मत होइए। वो किधर है? ये रही। थैंक यू। अब इसे गद्दे के नीचे डाल दीजिए। और तुम कैसे तकिए के नीचे? अभी क्या करो? ओके, अब तुम अपने कपड़े निकालो। क्या कबाड़ में से ये नाइटी चलेगी? क्या चलेगी? चलेगी। आपकी उंगली मिलेगी। क्यों? काटनी है क्या? एविडेंस, एविडेंस, थोड़ा खून चाहिए ना नाइटी पे। एविडेंस, यू नो व्हाट आई मीन। लवली, ये क्या कर रही हैं? उंगली से लटक रही हूँ। हाँ, ये छोटी वाली। ये और थोड़ी छोटी वाली। नहीं नहीं, ये वाली। अभी तक मैंने काटा भी नहीं और तुम स्टीरोफोनिक साउंड चला रही हो। काटूंगा तो क्या होगा? तो डॉल्बी में चलाऊंगी। काट दिया, काट दिया, कट गई, पता ही नहीं चला। पता तो आनंद माथुर को चलेगा। हेलो पुलिस स्टेशन। इन तमाम सबूतों के फराम होने के बाद भी आपको कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया माथुर? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं मालूम। नहीं पता है ना? तो फिर एक काम करते हैं, आज की रात तुम हवालात में मेरे साथ गुजारो। वहाँ तुम्हारी ऐसी खातिर मदारात करूंगा कि सुबह ज्योतिष के पोपट की तरह सीटी बजा बजा के सजुक लगे। समझ में आगे बात? यू आर अंडर अरेस्ट। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, लेबोरेटरी से आई रिपोर्ट बता रही है कि नाइटी पर लगे हुए खून के धब्बे कामनी देवी के हैं। और ये किताब हाउ टू किल योर वाइफ नेचुरली और ये वीडियो टेप में हर वो हथकंडे अपनाए गए हैं जो इस किताब में लिखे हुए योर ऑनर। और इस बात से साबित होता है कि मिस्टर माथुर ने कई बार अपनी बीवी को मार डालने की कोशिश की, जबकि इनका कहना है कि ये बेकसूर है। मैं बेकसूर हूँ योर ऑनर? मैं कितनी ऑर्डर, ऑर्डर, एग्जिबिट यहां रखो। How to kill your wife naturally. हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था योर ऑनर कि मैं बेकसूर हूँ। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरी बीवी किडनैप हुई है। आपके पास कोई सबूत है? सर, मेरे मुवक्किल को 10 दिनों की मोहलत दीजिए। हम कामनी देवी को जिंदा अदालत में पेश करेंगे। इसके लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। बेल इज ग्रांटेड। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। थैंक यू। ठहरिए जी। अगर 10 दिन के अंदर आप ये साबित ना कर सके कि आपकी बीवी कामनी देवी किडनैप हुई है तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। जी। नेक्स्ट केस। ये मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है और मैं षड्यंत्र को तोड़ के रखूंगा। हो सकता है आपने ये षड्यंत्र रचाया हो। तो फिर इस जाल में मैं खुद कैसे फंसता? कहते हैं कि गड्ढा खोदने वाले खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ये केस खत्म होने दीजिए, इस बात का जवाब मैं तब दूंगा। जय जय टेलीफोन देवा, माँ तेरी MTNL, बाप लाइनमैन भैया। अरे बज्जा 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 मेरे
बाप बज्जा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। सुनो, तुम्हारे 10 लाख रुपए तैयार हैं। 10 लाख के तुम चने खा जाओ। मुझे अभी चाहिए 1,27,05,555 रुपए 99 पैसे। अरे पहले क्या बाटा की दुकान में जूते बेचते थे, ये क्या आंकड़ा मांग रहे हो? तुम अपना सब कुछ बेच डालो। फॉर एग्जाम्पल, घड़ी, चेन, जूता, चप्पल, शर्ट, पैंट, इनसाइड आउटसाइड सब कुछ बेच डालो, तब ही तुम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो। hey, ये किसने कहा तुमसे? तुम्हारी बीवी दो फटके मारे, फटाक से सब बता दिया। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाम को 5 बजे क्लब 2000 में मेरे पैसे नहीं आए तो तुम्हारी बीवी का दी एंड। नहीं 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 नहीं, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता हूँ। अरे दिखा देंगे, शाम को 5 बजे क्लब आ जाना तो मैं तुम्हारी बीवी के दर्शन भी करा देंगे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से लाऊंगा, लेकिन कहीं से दिलाने पड़ेंगे। अगर जिंदा रहना है तो पैसों का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। हेलो विजय साहब, आपका नटवर। ध्यान से सुनिए। मेरी बीवी को तुमने किडनैप किया? मेरी बीवी को तुमने किडनैप किया? मैंने बोला था ना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मान लो मैं ऐसे कैसे छोड़ूंगा? मैं तो तुम्हें किडनैपर मानता ही नहीं। एक मिनट देना। अरे तुम जैसा जंतु मेरी बीवी को किडनैप कर ही नहीं सकता। किडनैपर? देखिए मजाक मत कीजिए, मैं किडनैपर हूँ। तुम्हारे तारी चीटर नहीं, समझे? वी से मिलने? फॉलो मी। वो देख, वो रही तुम्हारी बीवी। कहाँ? ये? अरे क्यों मजाक कर रहे हो यार? ये तो शोला है, मेरी बीवी तो गोला थी, गोला। कामिनी, तुम? कामिनी, ये तो चमत्कार हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो सकती हो। मैं भी कहां सोच सकती थी कि तुम इतनी कमजोर निकलोगे। कामिनी कैसी बातें कर रही हो? बस बस, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो इसका मुझे पता चल गया है। दौलत, दौलत के लिए तुम इस हद तक पहुंच गए। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? भगवान के स्थान पर बिठा कर रखा था तुम्हें, और तुम जलील इंसान मेरे ही टुकड़ों पर पलकर मेरे ही जान के दुश्मन बन गए। नहीं 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 कामिनी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। देखो देखो, मैं अपना सब कुछ बेचकर ये पैसे लाया था तुम्हें बचाने के लिए। तुम मुझे नहीं, अपने आप को बचाने के लिए पैसे ले आए, और इसके लिए भी मैंने ही तुम्हें मजबूर किया ताकि तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी न बचे और तुम फकीर बन जाओ। फकीर फकीर, मेरे को पैक छोड़ो। पैसे छोड़ो, डोंट मूव। बैग बैग, कम ऑन फास्ट। अच्छा नहीं देगा, बैग नहीं देगा, ठीक। कम ऑन कम ऑन फास्ट, बैग बैग, कम ऑन। हेलो पुलिस, पुलिस मुझे दो, बैग छोड़ दे, बैग छोड़ दे, बैग छोड़, बैग छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़। अच्छा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, ठीक। ए बुड्ढे, बैग छोड़, बैग छोड़, नहीं छोड़ेगा, छोड़ मत। या बैग, हाथ पकड़, बैग हाथ पकड़, बैग,
बैक छोड़ बैक गोली चला दूं मैं गोली चला दूं बता रहा हूं गाली 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 अल्लू ले गया 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 कहां कहां मेरा बैग मेरा बैग क्यों मेरा आई सेड लीव द बैग मुंह क्या देख रहा अंदर जाके देखो क्या हो रहा है क्विक 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 अरे क्लाइमैक्स से पहले पुलिस अनबिलीवेबल सुन जो सुनिया चलिए नीचे आइए ना सर आ जाइए कोई अपनी जगह से ये लेकर ना आई मेरा मतलब है कोई नहीं मैं भी नहीं मैडम ये लीजिए आपके पैसे थैंक यू वेरी मच आपने हमें 7 साल की सजा से बचा लिया नहीं तो बल्कि तुम लोगों की वजह से मेरी आंखों पे पड़ा पर्दा उठ गया दिस इज ऑल योर ये पैसे भी आपके हैं नहीं नहीं हमें सिर्फ हमारे 9,35,000 चाहिए बस हाँ। या तो तुमने कहा था कि तुम 10 गुना ज्यादा वसूल करोगे और अगर तुम्हें 15 गुना ज्यादा नहीं मिले तो हमारी दोस्ती पर लानत है एक्सक्यूज मी हेलो कामनी देवी हमने आपके हस्बैंड को किडनैप कर लिया है शाम तक 1 करोड़ रुपया तैयार रखना वरना हम उन्हें खत्म कर डालेंगे मार डालेंगे अच्छा मार डाली मार डालू ए भाई अकल बंट रही थी तो मुंह धोने गए थे क्या? क्या अरे तुमने सोच कैसे लिया कि मुझ जैसे कमजर्फ को बचाने के लिए वो कामिनी 1 करोड़ रुपया दे देगी किसी ने अब उन्हें किडनैप कर लिया है ये 1 करोड़ रुपए चाहिए मैंने मना कर दिया कहा मार डालो उसे ठीक किया ना नहीं आपने ठीक नहीं किया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों उन्होंने भी तो मेरे साथ ऐसे किया था लेकिन आप एक औरत हैं हाँ मैं औरत हूं शायद यही मेरा गुनाह है अरे राम राम छोड़ 5 करोड़ के लिए तो होल 5 करोड़ साहब साहब क्या है साहब अब मेरे को हटकड़े की चाबी दो मैं आपको 5 करोड़ की चाबी देता हूँ क्या बात कर रहे हैं चल 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 साहब चल भाई साहब ए हवलदार गाड़ी भगाओ जल्दी करो जल्दी उधर 5 करोड़ मिल रहे हैं अपना बैंक खुल जाएगा चल भगा चल तुझे पसंद की कसम चलो 5 करोड़ अरे भागो अरे मर गया रे मुझे भी ले चलो अरे मुझे भी चाहिए 5 करोड़ बेटा तू गला संभाल मैं अभी आता हूँ ठीक से देखियो अच्छा बाप बाप बेटे का चुना लगा रहा है करोड़ों का मामला है टीवी मैंने भी देखा है मेरे हस्बैंड आनंद माथुर को किसी ने किडनैप किया है और मुझे शक है कि ये काम विजय सक्सेना और अनुराधा ने किया है जिन्होंने मुझे भी किडनैप किया था जो कोई उन्हें बचाकर लाएगा उन्हें मैं ये 5 करोड़ रुपए दूंगी ओ बाय द वे किडनैपर्स का आखिरी कॉल नेशनल पार्क से आया था ओ माय गॉड अबे ये इसने क्या कर दिया हेलो करोड़ रुपया चाहिए थे ना अब लाखों लोग तुम्हारे पीछे छोड़ दिए हैं उसने अब तुम्हारी बोटी भी नहीं बचेगी हाँ।
हमारी तरफ आ रहे हैं। ओके भागो। कैसे गाड़ी चला दियो तुम? अरे मुझे क्यों पकड़े? 5 करोड़ का इनाम उनके सर पे है। उनको पकड़ो, उनको पकड़ो। काम नहीं, काम नहीं। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। मुझे सही जगह पे शरण मिली कामिनी। ओ डार्लिंग, मुझे मालूम था कि तुम मुझे नहीं मरने दोगी। भारतीय नारी पति की जान के लिए यमराज से भिड़ सकती है, किडनैपर क्या चीज है? डार्लिंग डार्लिंग, मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। ये तुमने ठीक सोचा कि मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति थे नहीं कमनी, कमनी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। तुम्हारी यही सजा है। दुनिया के हर मर्द को यह जान लेना चाहिए कि आज की औरत वो नहीं जो चुपचाप वस्त्रहरण सह ले, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी वनवास स्वीकार कर ले। आज की औरत तुम जैसे मर्दों की अग्नि परीक्षा ले सकती है, उन्हें वनवास भी भेज सकती है, और अगर चाहे तो पैरों में पड़े पत्थर की तरह उसे ठोकर मारकर आगे भी बढ़ सकती है। नहीं कामिनी, छोड़ दो मुझे। हो, तुम मारोगी मुझे? नहीं, 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 तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम मुझे नहीं मार सकती, कभी नहीं मार सकती। मैं तुम्हारा पति देव हूं। कामिनी, कामिनी बचाओ, कामिनी, 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 बचाओ, 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 नीचे खाई है। देखा भाइयों, नहीं मानी, बाहर वाली के पीछे भागने में यही हाल होता है। आदमी ना घर का रहता है, ना घाट का धोबी का कुत्ता बन के रह जाता है, ना घर का ना घाट। भाग लो, भाग भाग, जल्दी कर। हाँ जल्दी जल्दी, भाग भाग भाग, लेफ्ट कर। अरे अरे अरे, कामरी ने भी, कामरी ने भी, अरे रुको रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे कामरी ने भी कहाँ छोड़ दिया? जान बची तो करोड़ों पाए। क्या मतलब? तुम कैलकटा के एक रईस घोष बाबू की बात कर रहे थे ना? वो भी बेचारा बहुत परेशान है अपनी बीवी से। यू मीन कोलकाता? तो चले। आहा, ओके, कोलकाता। Here we come! कोलकाता जोत से। आनंद माथुर ने टूटी फूटी हालत में मेरा दरवाजा बहुत बार खटखटाया। बेचारे आनंद माथुर, आपसे कभी मिले? अरे आपके आसपास तो बहुत सारे आनंद माथुर होंगे, तो गौर से सुनिएगा वो क्या बड़बड़ा रहे। मुझे मेरी बीवी से मिलाओ प्लीज, मुझे मेरी बीवी से मिलाओ। अच्छा सुनिए, मान लीजिए
आप कामनी देवी की जगह होती, मतलब मेरी जगह होती, तो क्या आप अपना फैसला बदलती? हम्म?